रूस में सबसे दुर्गम और ठंडा क्षेत्र है जिसका नाम है साइबेरिया। यहाँ पर दुनिया की सबसे गहरी और विचित्र झील है जिसका नाम है बाइकल। साथ ही ये दुनिया की सबसे पुरानी झील भी है। इस झील के अनोखेपन के कारण इसको पर्ल ऑफ रशिया भी कहा जाता है। जितनी गहरी ये झील है उससे भी ज्यादा गहरा इसका रहस्य है। इस झील के आसपास ना जाने कितनी ही ऐसी रहस्यमय घटनाएं हुई हैं जिनका आज तक खुलासा नहीं हो पाया है। हकीकत में ये एक रिफ्ट लेक है जो 25 मिलियन साल पुरानी है। इस झील का निर्माण जमीन के नीचे हुई हलचल और प्लेटों के खिसकने के कारण हुआ। इस झील की गहराई 1642 मीटर है और इसकी सतह का क्षेत्रफल 31,722 वर्ग किलोमीटर है। आपको बता दें कि दुनिया का 20% शुद्ध और ताजा पानी अकेला इसी झील का है। साथ ही इस झील में पानी में रहने वाले कितने ही दुर्लभ जीव पाए जाते हैं। सन 1996 में यूनेस्को ने इस झील को विश्व धरोहर का दर्जा दिया था। इस झील के बारे में बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि इसका निर्माण आसमान से गिरी एक बड़ी चट्टान की वजह से हुआ। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इस झील में एक बहुत बड़ा जल दानव रहता है जो झील का देवता है। कुछ मछुआरों ने भी ऐसी रिपोर्ट दी थी कि उन्हें झील के पानी में काले रंग के विशालकाय जानवर का सिर उभरता हुआ दिखाई दिया था। इस झील की सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इसका संबंध अब यूएफओ की गतिविधियों से भी जुड़ गया है, क्योंकि कई बार इस झील के ऊपर रोशनियां मंडराती हुई देखी गई हैं, जिनके बारे में अभी तक कोई पता नहीं कर पाया है। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि रोशनी आसमान से बहुत ही तेज गति से उतरी और झील के अंदर चली गई, और कई बार झील से निकलकर आसमान की ओर तेजी से जाते हुए देखा गया। एक बार वहां के स्थानीय लोगों ने देखा कि आसमान से कोई उड़न तश्तरी जैसी चीज नीचे उतरी और झील में नाव की तरह तैरने लगी। जब ये खबर वहां की सरकार को हुई तो इस बात का पता लगाने के लिए नेवी की एक टीम को वहां भेजा गया। नेवी की टीम इस रहस्य का पता लगाने के लिए झील में उतरी। करीब 164 फीट नीचे जाने पर उनका सामना ऐसे लोगों से हुआ जिन्होंने सिल्वर रंग का सूट पहन रखा था। उन लोगों ने जब नेवी की टीम को देखा तो उनका पीछा किया और उन पर हमला कर 3 जवानों को मार डाला और 4 जवानों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। इस घटना के बाद ये अनुमान लगाया जाने लगा कि शायद झील में एलियंस का अंडरवाटर बेस है। बरमुडा ट्रायंगल की तरह यहाँ भी कुछ जहाजों के गायब होने की रिपोर्ट है। दरअसल झील के दक्षिणी क्षेत्र में जबरदस्त चुंबकीय प्रभाव है। ये भी कहा जाता है कि झील के अंदर कई रहस्यमय दरारें हैं जिनके भीतर का चुंबकीय घनत्व बहुत ज्यादा है। इसी की वजह से जहाज यहाँ खिंचकर चले आए और गायब हो गए। स्थानीय लोग झील के इस हिस्से को शापित मानते हैं और वहां जाना पसंद नहीं करते। वे कहते हैं कि ये जगह बड़ी ही विचित्र है जो किसी भूतिया संसार की तरह लगती है। कभी तो यहाँ अंदर से पूरा जहाज बाहर की ओर उभरता हुआ दिखाई देता है तो कभी एक पूरा किला ही झील से ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है और फिर सब कुछ पलक झपकते ही गायब हो जाता है। वैज्ञानिक इसे दृष्टि भ्रम कहते हैं, लेकिन 2009 में इस झील में हजारों की संख्या में गोल घेरे बनते हुए देखे गए। ये लहरियों वाले घेरे क्यों बने इसके बारे में भी अभी तक कुछ भी पता नहीं चल सका है और बाइकल झील का रहस्य अभी भी बरकरार है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।